कैमरा क्लासिक सेल्स है। आप सबको हमारे जीवन में योग के फायदे बताने और कुछ सामान्य योगासन दिखाने के लिए आप सबके सामने हैं। योग के कई फायदे हैं। योग एक ऐसा शब्द है जो पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में लोकप्रिय हुआ है। योग हमारे शरीर के साथ साथ दिमाग को भी स्वस्थ रखता है। यह हमारे रक्त प्रवाह में सुधार करता है और हमें मन के लिए दिमाग को स्पष्ट बनाने में मदद करता है। अब मैं आपको कुछ सामान्य योगासन दिखाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए सूर्य की ओर मुंह करें या फिर कोई भी कृति हो उससे हो, अपने हाथों को उल्टा जोड़े, धीरे धीरे ऊपर की ओर जोड़े और नीचे लेके। अब आप अपने हाथों को पीछे ले जाते झुके और फिर नीचे झुके, अपने पैरों को झुके, फिर एक पैर पीछे पीछे, एक पैर आगे, अब सर ऊपर, दोनों पैर पीछे करके खड़े हो जाते हैं और ऐसे प्रकार से लेट जाएंगे। आधा उठे, अब पूरा उठे, एक जिस पैर को पहले पीछे किया था उसे आगे पीछे और जिसे आगे किया था उसे पीछे और सर ऊपर रखे। अब दोनों पैरों को अपने हाथों से छुए, फिर से पीछे झुके। यहीं पर आपका सूर्य नमस्कार खत्म होता है। अब मैं प्राणायाम करूँगी। प्राणायाम के 8 प्रकार है, पर आज मैं आपको 2 सामान्य प्राणायाम दिखाऊंगी। भ्रामरी शीतल प्राणायाम। शीतल प्राणायाम से शुरुआत करते हैं। शीतल प्राणायाम के लिए अपनी जीभ को इस प्रकार से मोड़े और सांस अंदर बाहर कीजिए। अब भ्रामरी प्राणायाम, इसके लिए अपने हथेली के चारों उंगलियों आंखों पर रखे और कान में अंगूठा डाले और शुरू से करते रहेंगे। यह हमारे तनाव के लिए सबसे अच्छा कार्य करता है। शीतल प्राणायाम हमें ठंडा रखता है और हमारे मांसपेशियों को आराम करने में मदद करता है। अब मैं चक्रासन करूंगी। चक्रासन के लिए आप सीधा लेट जाइए, अपने हाथों को इस प्रकार रखें, पैर मोड़ लें और खड़े हो जाइए अपने हाथों को ऐसे, धीरे धीरे नीचे आइए, अपने पैरों को नीचे रखें और फिर शरीर को। यह अस्थमा रोग के लिए सबसे अच्छा कार्य करता है। अब मैं हनुमान आसन करूँगी। हनुमान आसन के लिए अपने पैर चौड़े कीजिए, एक हाथ को आगे रखें, एक हाथ को पीछे, धीरे धीरे पूरा चौड़ा करके उस तरफ मुंह कर लें और ऊपर की ओर हाथ छोड़ें। यह हमारे लचीलेपन को बढ़ाता है। अब मैं वृक्षासन करूंगी। वृक्षासन के लिए अपने पैर को अपने घुटने पर रखें और अपने हाथों को जोड़ें और किसी एक चीज पर ध्यान रखें। यह हमारे सतर्कता को सुधार करता है। अब मंडूकासन। मंडूकासन के लिए अपने एक पैर अपने पैर को कुछ इस प्रकार रखे और बैठे और अपने हाथों को इधर ऐसे रखे, यहाँ पर रखे और नीचे होना चाहिए। यह हमारे पाचन तंत्र में सुधार करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग घर पर बैठे योगाभ्यास करते होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।